ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज 29वां लेक्चर 29th, जिसमें अपन आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं। आर्किटेक्चर के जो विद्यार्थी हैं उनके सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम, उसका आज ये 7वां लेक्चर है। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम का 6ठा, जिसमें अपन वास्तुशास्त्र को स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले पिछली इकाई में पिछले पार्ट में अपन ने देखा वास्तु क्या है, भूमि भवन यान शयन, वास्तु के ग्रंथ कौन से हैं मांसार महिमत सम्रांगण इत्यादि, वास्तु के ग्रंथों का कंटेंट क्या है तो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स है, डिफरेंट प्लेनेट हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, सोलर सिस्टम है, फिर तीन प्रकार का वास्तु फिक्स्ड मूवेबल और डेली। फिक्स्ड की सब कैटेगरी है, विधि विन्यास है, पद विन्यास है, खंड निर्णय है या सेक्शंस या जोन है। मूवेबल के लिए मूवेबल को हम मुहूर्त में प्रयोग करते हैं और उसके बाद डेली वास्तु है जो प्रतिदिन बदलता है, उसके हिसाब से कि कक्षों की प्लानिंग कर सकते हैं। उसके पश्चात अपन ने टाउन प्लानिंग को देखा कि अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, डिफरेंट टाइप के टाउन्स होते हैं, उनकी प्लानिंग होती है, उसके इनहेबिटेट्स कैसे हैं, वो कहाँ पर है, खेत है, खरवट है, मंगल है, दुर्ग है, पत्तन है, नगर है, राजधानी है, पुर है, कैसा वो टाउन है, उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लानिंग को भी हल्का सा समझा। अपना जो पूरा पाठ्यक्रम है उसमें एक यूनिट है टाउन प्लानिंग, उसमें उसके डिटेलिंग अपन देखेंगे। अब जो आज की इकाई है, आज का पाठ है, उसमें अपन उस टाउन प्लानिंग के अंदर कैसे कंस्ट्रक्शन करना, उसमें रेजिडेंशियल हाउसिंग को घरों के रेफरेंस में थोड़ा देख रहे हैं। तो वास्तु में जब भी गृह निर्माण की बात आती है, घरों के कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो सभी के लिए एक जैसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, लेंथ का, विड्थ का, रेशो का, प्रोपोर्शंस का, कलर स्कीम्स का। उसको ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी के अनुसार चेंज किया जाता है। तो ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन उसमें डिवाइड करते हैं, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन, सर्वेंट्स, ऐसी ब्रॉडली 4 कैटेगरीज हैं। शास्त्र में ये जो डिफाइन किया है ह्यूमन बीइंग को, वो अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन है, जो अध्ययन में, अध्यापन में, मनन में, चिंतन में, ऐसे कार्य में लगे हैं उनको इंटेलेक्ट या ब्राह्मण कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको क्षत्रिय कहते हैं, जो मुख्य रूप से व्यापार व्यवसाय करते हैं, धन कमाते हैं, उनको वैश्य कहा है, और जो सेवा में लगे हैं सर्वेंट्स उनको शूद्र कहा है। ऐसे 4 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है ह्यूमन बीइंग को।
वहाँ सबसे पहले साइट सिलेक्शन है, तो साइट सिलेक्शन को बताया है साइट कैसी हो, पब्लिक प्लेसेस के पास ना हो, मेन रोड पर ना हो, है ना, इस प्रकार से उसकी लोकेशन, उसका स्लोप, उसका ओरिएंटेशन, उसकी वेसिनिटी, उसकी सराउंडिंग, उन सब के अकॉर्डिंग साइट सिलेक्शन का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने को वास्तु के ग्रंथों में मिलता है, ओरिएंटेशन इंक्लूड करके। उसके बाद सॉइल टेस्टिंग है कि जिस मिट्टी पर, जिस भूमि पर हमको मकान या कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए डेंसिटी टेस्ट है, उसके लिए मॉइस्चर टेस्ट है, उसके लिए फर्टिलिटी टेस्ट है, उसके लिए एयर फ्लो टेस्ट है, उसके लिए रेडिएशन टेस्ट है, कि जो साइट है उसी पर उसको परफॉर्म करते हैं। तो बहुत इकोनॉमिकल है, ऑथेंटिक है। डेंसिटी टेस्ट में कोई एक साइट को लेके उसमें जगह जगह अलग अलग प्लेसेस पर, बड़ी साइट है तो ज़्यादा जगहों पर उसकी सॉइल को निकालते हैं और उसको रिफिल करते हैं, उसी पिट को, गड्ढे को, 1 हस्ता बाय 1 हस्ता बाय 1 हस्ता का, 1 क्यूबिक हस्ता का एक गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी को निकाल के उसको रिफिल करते हैं। और रिफिल करने के बाद यदि बहुत ज़्यादा मिट्टी बच जाती है तो कहते हैं ये साइट जो है ये डैम्प है, कॉम्पैक्ट है, ठोस है, इसकी जो मिट्टी है वो ठोस है, तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी है। इसी प्रकार जब फर्टिलिटी टेस्ट करते हैं तो उस पर कुछ बीज बो देते हैं, मॉइस्चर टेस्ट करते हैं तो उसमें पानी भरते हैं गड्ढे में और देखते हैं कितनी देर में वो सूखता है, तो ऐसे बहुत सारी टेस्ट हैं जिससे वो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाते हैं। उसके बाद ज़मीन के अंदर यदि कोई नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट है जिसको शल्य कहते हैं, कोई हड्डी है, कोयला है, राख है, भूसी है, कुछ है, तो उसको कैसे ट्रेस करना इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, फिर उसको कैसे निकालना, फिर पूरी साइट को सकारात्मक पदार्थ से, पॉजिटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट से कैसे उसको चार्ज करना, उसकी पूरी प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन मिलता है। वहाँ गौवंश को लाना, गाय को रखना, बछड़े को रखना, गौमूत्र से, गोबर से, तमाम प्रकार की औषधियों का डिस्क्रिप्शन है, वच है, कूट है, चंदन है, जटामासी है, उसके पदार्थ को स्प्रिंकल करना, उसको मिक्स करके पानी के साथ में भूमि पर उसका छिड़काव करना, वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो साइट का कैसे पोजीशन लेना और उसको कैसे पॉजिटिवली चार्ज करना, ये अपने को वास्तु के टेक्स्ट में, ग्रंथों में मिलता है। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना हो तो कब स्टार्ट करना, उसके लिए ऑस्पिशियस टाइम क्या है, मुहूर्त क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है वास्तु में। और प्लानिंग को तो अपन डिटेल में देखेंगे ही, उसके अलावा जब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो पूरी बिल्डिंग होती है, तो पूरी जो बिल्डिंग अपनी खड़ी होती है उसके बेस में नीचे फाउंडेशन, खुदाई कहाँ तक करना कि वो सॉलिड फाउंडेशन आए, पत्थर आए या जल आए, किस सॉलिड फाउंडेशन तक जाना, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर वो फाउंडेशन डिपॉजिट को नीचे जो नींव भरते हैं, शिलान्यास कह लो, गर्भविन्यास कह लो, अलग अलग टेक्स्ट में उसको अलग अलग नाम दिए। सदर्न इंडिया के टेक्स्ट में उसको गर्भविन्यास कहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के टेक्स्ट में उसका नाम शिलान्यास दिया है। तो शिलान्यास में जहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा उसको कैसे पूजा करना, उसमें कैसे पॉजिटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स उनको प्लेस करना, फाउंडेशन कैसे तैयार करना, उसमें कैसी शिला रखना, पत्थर से जब बनाएंगे तो वो जो फाउंडेशन में बेस में जो शिला रखेंगे बड़ी, उसके साइज दिए हुए हैं, उसके डायमेंशन दिए हुए हैं, लेंथ, विड्थ, थिकनेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, शिला का जो चयन करते हैं तो कैसे उस शिला को, पत्थर को सिलेक्ट करना, कौन कौन से ऑस्पिशियस सिंबल उस पर बनाना, उसमें रिचुअल का वर्णन है, कर्मकांड की विधि बताइए, पूजा की विधि बताइए, कि फाउंडेशन में जो नींव में जो आप पत्थर रखोगे, शिला रखोगे, उसको कैसे स्थापित करना, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वास्तुशास्त्र के सभी ग्रंथों में मिलता है, सभी ग्रंथों में। उसमें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, औषधियाँ, खनिज, ये सब रखने के विधान बताए हैं, जिससे वो पूरी
जो बिल्डिंग है वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होती है, पॉजिटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट स्प्रेड होते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन है। फिर उसको फाउंडेशन से ऊपर कॉलम लेके आते हैं, उसके बाद जो जमीन के ऊपर दिखने वाले भाग होते हैं उसमें सबसे नीचे होता है पेडेस्टल, उसको उपपीठ कहते हैं। उसके ऊपर होता है बेस, उसको अधिष्ठान कहते हैं। उसके ऊपर होता है स्तंभ, खंबा या कॉलम, उसके ऊपर इंटाब्लेचर, और फिर यदि एक ही फ्लोर का मकान है तो उसके ऊपर रूफ होती है। इस प्रकार से ये डिफरेंट बिल्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट मोल्डिंग्स होती हैं। इसमें जो बेस है, पेडेस्टल है, कॉलम है, इन पे डिफरेंट मोल्डिंग्स होती है, नक्काशी की जाती है, और उसमें जो भी मोल्डिंग्स होती है वो किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग होती है। मान लो टेम्पल अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ब्रह्मा जी का टेम्पल है तो उसके कॉलम जो हैं वो स्क्वायर बनाते हैं यूजुअली। चतुरानंद ब्रह्मा जो हैं उनके चार मुख हैं, आनंद यानी मुख। फिर विष्णु के टेम्पल हैं तो ऑक्टोगॉन, उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिलर का वो लेते हैं। शिव के टेम्पल हैं तो पेंटागॉन प्रेफर करेंगे। कार्तिकेय के टेम्पल हैं उनको षडानंद कहा है, तो उनके हेक्सागॉन कॉलम होते हैं। और ये जैसे देवी देवता हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो पेडेस्टल है, बेस है, कॉलम है, उनकी मोल्डिंग्स भी होती है, उनके प्रपोर्शंस होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके घरों के भी लिए मोल्डिंग्स बताई गई है कि कैसी मोल्डिंग लेना, ताकि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्हांस हो। नेचर जो है वो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नेचर की नरिशिंग पावर का सपोर्ट हो। तो वहाँ पूरे स्ट्रक्चर में हमको जितनी भी मोल्डिंग्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिल्डिंग होती है, और इनके प्रपोर्शन होते हैं, जितना ये बेस है उससे डबल कॉलम होगा। तो ये पेडेस्टल का, बेस का, कॉलम का, इंटाब्लेचर का, रूफ का, और रूफ के भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो सब में एक प्रपोर्शन होता है, एक रिदम होती है, वो एट रैंडम नहीं होते। जब वास्तु को अपन स्टडी करेंगे डिटेल में तो देखेंगे कि आज भी जो सेल्फ सपोर्टिंग कॉलम का जो रेशियो अपन फॉलो करते हैं वही रेशियो हजारों साल पहले वास्तु के ग्रंथों में दिया है कि जो सेल्फ सपोर्टेड कॉलम है, इंडिपेंडेंट कॉलम है, यदि आपको उसको इरेक्ट करना है तो उसका बेस का यानी डाया का और हाइट का एक प्रपोर्शन होगा, विड्थ का और हाइट का एक प्रपोर्शन होगा, और कैसे उस कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो कम होता जाएगा क्योंकि उसको लोड कम लेना है, फिर उस कॉलम में कैसे नक्काशी होगी एंड सो ऑन। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में अवेलेबल है। स्पष्ट हो रहा है थोड़ा सा? अभी क्या देख रहे हैं, रिव्यू ऑफ द एंशियंट विजडम में वास्तु के जो अपने पास नॉलेज अवेलेबल है उसको थोड़ा सा एक उसकी ग्लिम्स कह लो, झलक कह लो, उसको देखने समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद जब जैसे शिखर की मान लो बात है तो शिखर में भी उसकी अलग अलग स्टाइल्स हैं। अभी तो आर्किटेक्चर में जो मोस्टली पढ़ा देते हैं या पढ़ाते हैं वो दो तीन चार स्टाइल के नाम होते हैं, नागर है, द्राविड़ है, वेसर है। जब प्रासाद मंडन ग्रंथ को आप स्टडी करोगे तो कम से कम 14 स्टाइल्स मिलेंगे, 14 शैलियां उसमें मिलेंगी प्रासाद मंडन में। सम्रांगण में जाएंगे तो बहुत सारी मुख्य शैलियां और सब उनकी उप शैलियां ऐसा भी कह सकते हैं वो मिलेंगी। तो वो जो शिखर है वो कैसा, जैसे आप कभी किसी देवी देवता के टेंपल को स्टडी करोगे तो जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उनका शिखर या गुम्बद एक जैसा मिलेगा, जो राम जी के मंदिर हैं उनके भी शिखर एक जैसे मिलेंगे। लेकिन जब आप किसी देवी या शक्ति के मंदिरों को स्टडी करोगे तो उनका शिखर अलग प्रकार का मिलेगा। तो वो जैसा वो देवता है, जैसी वो ऊर्जा है, उसके अकॉर्डिंग पूरे टेम्पल को बनाया जाता है, वो शिखर देख के दूर से ही मालूम चलता है। इसी में बिल्डिंग में ही रेशियो और प्रोपोर्शंस की जब बात करते हैं तो अपने को 5 types की बिल्डिंग मिलती है, शांतिक, पौष्टिक, जयद, अद्भुत और सर्वकामिक। उसकी विड्थ और हाइट का क्या रेशियो है? यदि विड्थ इज इक्वल टू हाइट है तो उसको शांति कहा कि वो शांति देने वाली है। यदि उसको विड्थ से उसकी हाइट सवा गुनी है, 1.25 है,
तो उसको पौष्टिक कहा, 1.5 है तो उसको जयत कहा। तो ऐसे शांतिक, पौष्टिक, जयत, अद्भुत, सर्वकामिक, फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिजायर किससे बताया? वो विड्थ और हाइट के रेशियो से बताया। तो ये वास्तु में पूरा जब अपन स्टडी करते हैं ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो विड्थ और हाइट के रेशियो हैं, विड्थ और लेंथ के रेशियो हैं, उनके प्रोपोर्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको भी डिटेल में बताया, डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद बिल्डिंग जिस मटेरियल की बनाएंगे तो उसके लिए 14 मटेरियल का डिस्क्रिप्शन वास्तु के ग्रंथ जैसे विश्वकर्म प्रकाश उसमें मिलता है कि वो स्टोन की है या वुड की है या ब्रिक की है एंड सो ऑन, वो कपड़े का है क्या है, वो सारा अप टू वो लोहा, तांबा, चांदी, सोना, उसकी बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चर करना, कैसे बनाना, उनका भी अपने को डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ मिलता है। जब वो स्टोन की बात करते हैं या वुड की बात करते हैं या ब्रिक की बात करते हैं तो जनरली उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मेल, फीमेल और न्यूट्रल। कि यदि कोई आपको टेंपल बनाना है, स्ट्रक्चर मंदिर बनाना है और उसमें वो मेल डाइटी का टेंपल है तो जितने भी स्टोन्स उसमें सिलेक्ट किए जाएंगे कंस्ट्रक्शन में वो सब मेल स्टोन होंगे। उसको बजा के, स्टोन को बजा के, उसकी साउंड को सुन के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के पता लगाते हैं कि ये मेल है, फीमेल है या न्यूट्रल है। इसी प्रकार वुड में भी मेल, फीमेल, न्यूट्रल, और ब्रिक में भी मेल, फीमेल, न्यूट्रल। वो जो देवता का मंदिर बनेगा, जो देवता की प्रतिमा मुख्य रूप से बनेगी, यदि वो पुरुष देवता है, मेल डाइटी है, तो उसकी जो प्रतिमा है वो मेल स्टोन की बनी है और उसकी जो पीठ है वो फीमेल स्टोन की बनी हुई है। इसी प्रकार जब स्ट्रक्चर भी खड़ा करते हैं, घर भी बनवाते हैं, तो उसमें कैसी ईंट का प्रयोग करना, कैसे पत्थर, वो सब डिटेल डिस्क्रिप्शन है। उसका सिलेक्शन कैसे करना, वो लकड़ियों का जो रेशा है, उसके ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी ज्वाइनरी कैसे करना, पूरा एक चैप्टर मानसार महिमत ग्रंथ में है, उसका नाम है वुड ज्वाइनरी। लकड़ियों को कैसे जोड़ना, कौन सा हिस्सा ऊपर रखना, नीचे रखना, कारपेंटर अच्छे से उसको समझते हैं, जानते हैं। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मटेरियल का, उसकी क्वालिटी का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके परिणाम का, जैसे जब वास्तु के ग्रंथों को और ज़्यादा गहराई में अच्छे से स्टडी करते हैं तो किस किस प्रकार की लकड़ी उस भवन में प्रयोग करना, कौन सी लकड़ी, कौन सी वुड जो है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसको कॉलम में प्रयोग करेंगे, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ अच्छी है उसको बीम में प्रयोग करेंगे तो कॉलम में, बीम में, इंटरब्लेचर में कौन सी वुड का, लकड़ी का प्रयोग करना, इसका वर्णन अपने को वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। उसके अलावा उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वुड की, तो इंटेलेक्ट को कौन सी वुड सुटेबल है उसके पलंग के लिए, फर्नीचर के लिए, डोर फ्रेम के लिए, विंडो के लिए, तो कैसी कैसी वुड, उसकी भी 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है वुड को कि ये जो वुड है ये इंटेलेक्ट पर्सन के लिए मोस्ट ऑस्पिशियस हैं, शुभ है। दूसरे प्रकार की जो लकड़ियां हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज को इन्हांस करती हैं अलग प्रकार की। तीसरे प्रकार की जो वुड है वो हम प्रेफर करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए कि बिजनेसमैन का जो पलंग है, चेयर है, टेबल है, फर्नीचर है वो इस प्रकार का बनाए कि वो उसकी बिजनेस टेंडेंसीज को इन्हांस करे। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने को वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। तो मटेरियल का वर्णन है, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, वुड और उसकी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद किस लेंथ, विड्थ, हाइट के प्रोपोर्शन में ये सारा स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो रूम हो, चाहे वो फर्नीचर हो, उसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको आयादि कहते हैं। आयादि मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द ऑस्पिशियस लेंथ, विड्थ, हाइट, सरकमफेरेंस एट्सेट्रा, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इन्हांस करना हो, बढ़ाना हो, तो वैसा हमको लेंथ, विड्थ, हाइट का प्रोपोर्शन रखना चाहिए, उससे वो प्रॉपर्टी बूस्ट होती है। जैसे एडमिन की प्रॉपर्टी है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर्टी है,
और उस प्रकार की प्रॉपर्टी हमने यदि बिजनेस में यूज करी तो व्यक्ति एग्रेसिव हो जाएगा। यदि उसकी टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है बिजनेसमैन का, हमने ऐसा बनाया कि जिसमें अननोइंगली वो प्रॉपर्टी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की चली गई, तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उस व्यक्ति की जो उसको यूज करेगा उस फर्नीचर को, वो थोड़ा एग्रेसिव रहेगा। हाँ, तो ये आयादी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, सारे ग्रंथों में दिए, मानसार, महिमत, विश्वकर्मा, राजवल्लभ, सब में दिए, मनुष्याले, चंद्रिका, काश्यप शिल्प, ये सब में मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए टू फाइंड आउट द ऑस्पिशियस लेंथ, वेट, हाइट, सरकमफ्रेंस, थिकनेस। तो ये पूरा कैलकुलेशन अपने इसमें दिया हुआ। फिर उस घर को कैसे सजाना, उसके लिए इंटीरियर डेकोरेशन का भी पूरा डिस्क्रिप्शन अपने को वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। उसका नाम है प्रयोज्य अप्रयोज्य, कैसी कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर शुभ हैं, कौन कौन से अशुभ हैं, किनका प्रयोग करना, किनको निषेध करना, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन अपने को वास्तु के ग्रंथों में मिलता है। फिर ये जो मटेरियल अपन ने यूज़ किया, जैसे मान लो ब्रिक हमने यूज़ किया, उसके लिए पूरा एक चैप्टर है सम्रांगण सूत्रधार में, उसका नाम है चय विधि। चय विधि, उसमें ये बताया है कि वो ईंट है या ब्रिक है उसको कैसे जोड़ना, उसकी चुनाई कैसे करना, उसका नाम है चय विधि। उसमें 20 गुण बताए हैं, और यदि उस प्रकार से नहीं करेंगे तो 20 दोष उत्पन्न होते हैं, कि कैसी वो वुड ज्वाइनरी है तो वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी दिला सकती है, कैसी दीवार बनाई तो चोर भय हो सकता है, कैसे वो फाइंड आउट किया, कैसे पता लगाया, तो उसको पता कैसे लगाते हैं, कैसे शास्त्र में डिस्क्राइब करा कि यदि वो दीवार छोटी बन जाए, जैसे मान लो थोड़ा सा समझने की दृष्टि से, कि जैसे एक ब्रेक है आपकी 8 इंच की है, 8 इंचेस की, और आपको मान लो उसमें जो मोटर की फिलिंग है वो आधा इंच है, मान लो मोटा मोटा दो ईंट के बीच में, तो आपने 10 ईंट लगाई, तो 10 ईंट में जो आपकी 80 इंच तो आपकी ब्रिक की वो हो गई लेंथ कह लो, और मोटर जो उसमें लगाया वो आपके मान लो उसमें 10 में आपके 9 जॉइंट आए, है ना, मान लो मोटे तौर पे 9 जॉइंट्स आए, तो 9 जॉइंट्स आए, आधा इंच का एक जॉइंट है तो वो आपका 4.5 इंच ये हो गया, तो वो आपकी दीवार मान लो बनना थी 85 इंचेस, अब वो दीवार छोटी बनी, दीवार जो बन गई वो आपकी 83 की बन गई, तो शास्त्र में क्या बताया कि उसको पेनल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी जो मोटर यूज करना था यदि वो मोटर जितना चाहिए उतना यूज नहीं किया तो दीवार कम बनी, उसकी लेंथ कम बनी, तो वो कम बनी यानी आपने पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर ये गड़बड़ की है, तो वो जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकता है, तो कहा पेनल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यदि वो दीवार बढ़ जाए, मान लो आधा इंच का मोटर यूज करना है, 1-1 इंच का मोटर यूज कर लिया, ओवर एक्सपेंडिचर हो, तो उसमें बताया कि वो जो गृह स्वामी जो है वो घर छोड़ के चला जाएगा। तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह कहने का है कि पूरे स्ट्रक्चर में यदि कहीं कोई दोष है तो उससे वो फाइंड आउट करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। उसमें ब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्पष्ट ना होता हो तो ऐसे समझना जो खंजर ईंट है जिसपे मटेरियल एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो भी ओवर बजट होगी, तो उसके ज्वाइंट्स कैसे बनाना, उसको कैसे पानी में डिप करना, कैसे उसकी लेयर्स अलग अलग खड़ी करना, ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है। दीवार बनने के बाद, चाहे मूर्ति हो चाहे दीवार हो, कहीं भी मान लो कोई मूर्ति बनाई है, प्रतिमा बनाई है, और वो हजारों हजार साल कैसे टिके, उस पर सीजन का इफेक्ट ना हो, तो केसिंग कोटिंग करना, उसके लिए वज्रलेप के विधान बताएं। वज्रलेप जो है वो 1 करोड़ वर्ष तक टिकता है, उसके मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है। वृहत संहिता ग्रंथ में भी एक पूरा चैप्टर है, उसका नाम है वज्रलेप। और वास्तु के ग्रंथ जैसे सम्रांगण सूत्रधार है, उसमें जब आप देखेंगे मान लो, तो उसमें यंत्र विधान है, अलग अलग प्रकार के यंत्रों का वर्णन है, विमान का वर्णन है। भरद्वाज मुनि का एक शास्त्र है, उसका नाम है यंत्र सर्वस्वम। उस यंत्र सर्वस्वम का एक चैप्टर है वृहद विमान शास्त्र। उस वृहद विमान शास्त्र में भी अंदर 50 चैप्टर्स हैं,
तो उसमें प्लेन का डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है, कैसे कैसे प्लेन होते हैं। इस समरांगण सूत्रधार में भी, समरांगण सूत्रधार में भी अपने को प्लेन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, कैसे वो फ्यूल कंज्यूम होने के बाद फिर से फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा वर्णन अपने यहाँ हजारों हजार साल पहले वास्तु के ग्रंथों में। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में, अपन ने वास्तु के ग्रंथों की विषय वस्तु को देखा, समझा, जाना कि कैसे टाउन प्लानिंग करना अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, कैसे घरों को बनाना, या मंदिर है तो उसमें कैसे कैसे बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं, उसमें कैसे रेशियो इन प्रोपोर्शंस हैं, आयादी है, इंटीरियर डेकोरेशन है। यदि आप समरांगण सूत्रधार का थर्ड चैप्टर स्टडी करेंगे तो पूरे वास्तु का क्या स्कोप है, कितना बड़ा क्षेत्र वास्तु के अंतर्गत आता है, उसमें चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो नगर नियोजन हो, चाहे वो एरोप्लेन्स हो, वो सारा डिस्क्रिप्शन अपने को पढ़ने में आता है या प्राप्त होता है। तो अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। इस प्रकार से ही अपना फर्स्ट यूनिट सिलेबस का वो आज पूरा होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।